मोल्डोवा पर बड़े हमले की प्लानिंग में है रूस। अब ये देखिए, ये जिस तरह से रोपूचा क्लास के तीन शिप, किलो क्लास का एक शिप यहां पर दिखा है, ये एक दो तीन और एक ये चार, ये जो चार शिप आप देख रहे हैं, ये जो शिप हैं, ये क्या यहां पर तैनाती कर रहा है कुछ यहां पर रूस, ये बड़ा सवाल है। इंटेलिजेंस शिप एडमिरल ग्रिगोरोविच क्लास, वो भी यहां पर दिखा है। और ये जो देखिए एडमिरल ग्रिगोरोविच क्लास, ये जो शिप है, ये यहां पर किस लिए यहां पर आया है, यूरी आइवानोव क्लास इंटेलिजेंस शिप, ये भी आप देख सकते हैं। ये जो दो शिप खड़े हैं, ये यहां पर रूस ने क्यों खड़े किए हैं, ये भी एक सवाल है। रोपूचा क्लास के चार शिप जो हमने आपको दिखा, यहां पर देखिए 1, 2, 3, 4, ये जो रोपूचा क्लास के जो चार शिप है जो यहां पर लिखा हुआ है, ये यहां पर किस लिए लेकर आया है रूस, ये एक सवाल है। और ये सवाल इसलिए बहुत अहम है क्योंकि ब्लैक सी से यूक्रेन में कहीं भी हमला किया जा सकता है, या ये जो इंटेलिजेंस है, क्या यहां ब्लैक सी से रूस इंटेलिजेंस, रूस की और यूक्रेन की, और यूक्रेन के पास जो ब्लैक सी से निकलने वाले जहाज हैं, उनकी भी क्या इंटेलिजेंस रिपोर्ट हासिल कर रहा है। तस्वीरों के मायने समझिए, पहली बार ब्लैक सी में रूस की इतनी बड़ी तैनाती हुई है, पहली बार। यही सवाल है कि क्या ब्लैक सी से अब यह वॉर और भयानक हो जाएगी। पहली बार रूस के सारे फ्लीट ब्लैक सी में तैनात किए गए हैं। रूसी जहाज समंदर में मोल्डोवा के बेहद करीब मौजूद हैं। रूस के 10 लैंडिंग शिप की तैनाती का मतलब बहुत बड़े हमले का संकेत। मैं जल्दी से सुधीर जी आपके पास आऊंगा। सुधीर सर, मोल्डोवा इतना अहम क्यों है, और जब एक वॉर में ऑलरेडी है रूस, तो वो मोल्डोवा में अपने आप को क्यों एंगेज करना चाहेगा? मोल्डोवा पर तो रशियन मिसाइल के कई महीनों से अटैक हो रहे हैं, कई एक्सप्लोजन मोल्डोवा में भी हुए हैं। मोल्डोवा ईयू की तरफ जाना चाहता है और मेरे ख्याल से इसलिए रूस को वो पसंद नहीं है। मोल्डोवा में एक हिस्सा है ट्रांसनिस्ट्रिया बोलते हैं जिसको, वो एक छोटा सा एन्क्लेव है, वो मोल्डोवा और यूक्रेन के बीच में है, और उसमें रशियन इन्फ्लुएंस बहुत पहले से है, करीब 15-20 सालों से जी। अभी ऐसा हो सकता है कि रूस वो क्राइमिया और ट्रांसनिट्रिया को एक तरह से जोड़ना चाहता है, क्योंकि ट्रांसनिट्रिया खैर समुद्र पर नहीं है ब्लैक सी पर, मगर उनका जो एक्सेस है बहुत नज़दीक है ब्लैक सी से। तो क्राइमिया से अगर ट्रांसनिट्रिया तक रूस ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया, तो ओडेसा भी जो पोर्ट अभी तक रूस नहीं उस पर कुछ कर नहीं पाए हैं अभी तक, तो वो उनके हाथ में आ जाएगा। यूक्रेन का पूरा जो समुंदर का जो व्यापार है और कुछ दूसरा जो उनका इन्फ्लुएंस है वो खत्म हो जाएगा जी। और जो देश है ब्लैक सी के, जैसे रोमेनिया है, बल्गेरिया है, टर्की है, उन पर भी काफी दबाव आ जाएगा। मगर रूस का एक बड़ा जहाज मस्क्वा कुछ महीने पहले यूक्रेनियन लोगों ने ब्लैक सी में डुबा दिया, जी कर दिया था जी। तो रूस को वो भी पता है कि इतना आसान ऐसा कोई चीज नहीं होगी उसमें, ठीक है।